विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर बुधवार को एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता के नेतृत्व में पुराने पार्सल गेट से एक रैली निकाली गई। रैली रेलवे स्टेशन रोड से होते हुए स्टेशन परिसर में समाप्त हुई, जहां एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने मजदूरों का उत्पीड़न करने वालों का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। के एल गुप्ता ने कहा कि शिकागो में अपने हक की मांगों को लेकर मजदूरों ने आंदोलन किया था। मजदूर सफ़ेद झंडा लेकर शांति से बात करने के लिए सरकार के समक्ष गए थे, जहां उनके साथ बर्बरता किया गया। हज़ारों मजदूरों की जान चली गई और सफ़ेद झंडा मजदूरों के खून से लाल हो गया। तभी से मजदूरों की शहादत के रूप में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में नवीन कुमार मिश्रा, प्रदीप धर दुबे, ओंकार सिंह, विनय श्रीवास्तव, दिलीप धर दुबे, रतन कुमार सिन्हा, विनोद कुमार गुप्ता, हरीश यादव सहित एनी रेलवे के मजदूर यूनियन के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता ने कहा, यार जिंदाबाद, ए यार जिंदाबाद, शिकागो के शहीद अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, ए यार जिंदाबाद, एनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ए यार जिंदाबाद, मजदूर दिवस अमर रहे, मजदूर दिवस अमर रहे, मजदूर दिवस अमर रहे, ए यार जिंदाबाद, ए यार जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 के अमर शहीद अमर रहे, अमर शहीद अमर रहे, 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 नई दिवस के शहीद अमर शहीद अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों को, दुनिया के मजदूरों को, दुनिया के मजदूरों को, ये जो शिकागो में जब मजदूरों ने कहा कि काम का घंटा एक दिन में नहीं था, कितना घंटा काम करें नहीं था, उस पर लोगों ने मांग किया और मांग करने के बाद अपना सब मांग लेके गए, तो उन लोगों ने सोचा वहाँ के एम्प्लॉयर लोगों ने कि अभी हमारे पर हमला करने वाले हैं या डिमांड करके डैमेज करने वाले हैं, तो उन लोगों ने पुलिस के मदद से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया और जितने लोग शहीद हो सकते थे, लाल झंडा, काला सफ़ेद झंडा लोग जाते समझौता के लिए गए थे, लेकिन ये इतना फायरिंग हुई कि सब झंडा तो अलग हो गया, मौत हो गई और जो सफ़ेद झंडा था लाल हो गया। तब से ही इंटरनेशनल ढंग से ये मई दिवस मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में 1923 से स्टार्ट हुआ मद्रास से, और आज भी क्योंकि उस वक्त भी आज जो दशा है इस वर्तमान सरकार में, यदि इंदिरा गांधी के ज़माने में कि इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, अब इनके ज़माने में साहब टीका दर दे दीजिए, टीका पर दे दीजिए, आउटसोर्सिंग की दे दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई सरकारी यूनिट नहीं रहे जो समाप्त कर दिए। आज भी उसी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, उसी के विरोध में ये उसके भी ऑल इंडिया इंटरनेशनल के ही परिपक्ष में आज मनाया जा रहा है। अब ये सब मुद्दे एक ही साथ है, सब मुद्दे एक ही ढंग के, सब उस वक्त काम के घंटे नहीं तो काम घंटे, लेकिन मनमानी बढ़ा रहा है। जहाँ 8 घंटे का ड्यूटी है वहाँ 12 घंटा कर दिया, जो 8 घंटे का ड्यूटी मदद कर रहा था BMW जमाने से तो उसमें 12 घंटा कर दिया। अब आप कुछ जगह तो 24 घंटा होने वाला, कोई 24 घंटा का कोई नियम नहीं है, तो उल्टा हो रहा, उल्टा हो रहा, उल्टा हो रहा, वजह सुधार विकास तो बाहर हो रहा, अंदर जितने कर्मचारी उनका उल्टा हो रहा, शोषण हो रहा, यही इसीलिए पुतला किसका दहन को ये पिछला तो जो मजदूरों को पालन करते हैं मजदूर विरोधी, उन्हीं का पुतला, किसी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं था, किसी इंडिविजुअल का नहीं।